उस रात का सच मेरे सामने आ गया। इने कीरत के साथ क्या किया था सब पता चल गया मुझे। कीरत का गुनहगार आपके पैरों में। पहले तो ये कीरत से इसकी घटिया हरकत की माफी मांगेगा, उसके बाद आपको इसके साथ जो करना है आप कर सकते हैं। इसे अरेस्ट करवाना है, इस पे मोलेस्टेशन का केस करना है, इसकी हड्डियां तोड़नी है, जो करना कीजिए आप इसके साथ। सच कह रही थी, उसने जो भी बताया कि कीरत के साथ क्या हुआ है वो सब सच था। उसकी बात ना मान के हमने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं अब अपनी उस गलती को सुधारूंगा। वो एक घूर कह रहा है उसे, घूरना तो दूर, इसकी तरफ देखने का भी मन नहीं है मेरा। लेकिन यकीन तो इस बात पे नहीं हो रहा पाजी कि आज मेरा अपना भाई मुझे मुजरिम समझ रहा है, और मैं ऐसे किसी गुनाह की कोई सजा मंजूर नहीं करूंगा जो मैंने किया ही नहीं। अरे अब तो थोड़ी शर्म कर, तेरी करतूत का सबूत दिखा चुका हूं मैं तुझे, फिर भी झूठ बोले जा रहा है। तूने कीरत को फिजिकली असॉल्ट किया है, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। नहीं पाजी, कोई असॉल्ट नहीं किया, वो तो कांच से इसने मेरा हाथ काटा था। इसने मुझे कहा था कि मैं मर्द ही नहीं हूं, कह रही है असली मर्द है। इसने चली गई थी भाग के उसके बाहों में, और इस सब का सबूत तो आपने देखा ही था ना। हाँ, लड़की है ना ये, इसकी बातों पे सब यकीन करेंगे, क्योंकि लड़के तो होते ही झूठे हैं। पर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, और ना ही आज मुझे किसी से डर है, कानून से भी नहीं। आज मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। कीरत ने मुझे धोखा दिया, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है जितना आपके बिहेवियर पे है पाजी। आपने मेरा दिल तोड़ा है पाजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा करोगे, और मुझे किसी से कोई माफी मुफी नहीं मांगनी। और आप में से कोई भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैंने कहा रुक, वीर हो क्या गया तुझे? इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी कोई शर्म नहीं है तुझे? सॉरी नहीं बोला जा रहा तुझसे? मेरी बात मान, चल कीरत के पास, सॉरी बोल उसे। सॉरी बोलूं मैं इससे? माफी मांगना तो दूर की बात, इस छोटी धोखेबाज की तो शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। जीजू प्लीज, यहाँ कोई तमाशा मत कीजिए, वैसे भी हमारी बहुत बेइज्जती हो चुकी, और लोगों को मौका मत दीजिए कुछ बात करने का।